मकर राशि, मकर राशि के लिए राहु का भ्रमण बड़ा शुभ है। षष्ठ में राहु बहुत शुभ होता है। आपके विदेश रिलेटेड कोई अचानक से काम बनाएगा, खूब सारा धन लाभ कराएगा और धन लाभ कराने के बाद वो धन जाता भी रहेगा उतनी फास्ट जितनी फास्ट आया हो, इसलिए धन संभाल लीजिएगा, थोड़ा दबा लीजिएगा। आपको लोन्स वगैरह भी मिल जाएंगे, अगर आपको कुछ कर्जे उठा के काम करने वो भी हो जाएंगे, ननिहाल पक्ष से फायदा मिलेगा, लोग साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन मैलाफाइड इंटेंशंस वाले जो आपके धर्म से जुदा हो, साथ में आपको ऐसे भी काम हो सकते हैं जो आप कहते हैं ना, जो साथ ही में आपको अपने पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी तबीयत का ध्यान भी रखना पड़ेगा। अब ये राहु की दृष्टि कैसे पड़ती है देखिए, राहु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, तो धन आपके परिवार को अच्छा लगेगा, कहीं से भी आएगा आपका परिवार खुश रहेगा। उस धन में आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको अभिमान से दूर रहना पड़ेगा, अब बहुत ज्यादा बहकना नहीं पड़ेगा आपको अपनी बातों में, और काउंसलिंग कंसल्टेशन का आपका बिजनेस चल सकता है। यही दृष्टि आपके सब द्वादश स्थान पे पड़ेगी राहु की, तो आप थोड़ा सा अपने प्रेम संबंधों में जो आधा अधूरा बनाया है उसमें ये देख लीजिए कि ये बाद में ठीक होने वाला है, तो उसमें उसमें कटुता लाने की कोई जरूरत नहीं है, और विदेश रिलेटेड यात्राओं से जो आपको फायदा हो रहा है उसको संभाल लेने की जरूरत है। अब ये खर्चे भी करवाएगा आपके, आप अय्याशी में खर्चा करेंगे, ऐश में खर्चा करेंगे, और यही राहु की नव दृष्टि जब आपके दशम स्थान पे पड़ेगी तो आप अभिनय या मीडिया से रिलेटेड अपने कार्य बनाएंगे जिसमें आपके पिता आपका सपोर्ट करेंगे। अपने पिता के साथ कोई भी गलत प्रकार का व्यवहार मत कीजिएगा, अपने कार्यस्थल पर भी इसी प्रकार से अपना व्यवहार चोख रखिएगा। केतु आधा अधूरापन लाता है आपके प्रेम संबंधों में, हालांकि आपके विदेश रिलेटेड कामों में झंडा फहराता है केतु, आपके कई ऐसे खर्च बढ़ाता है जिसमें विदेश रिलेटेड काम हो चाहे धार्मिक काम हो, आप विदेश रिलेटेड धार्मिक यात्राओं पर भी निकलेंगे और आपको उसमें सिद्धियां भी आप अगर चाहते हैं तो प्राप्त होगी। आपको ये केतु जो है खर्चे भी कराता है अंधाधुंध, और साथ में केतु आपको बहुत अच्छा प्रेम भी दिलवाता है, कोई सात्विक प्रेम दिलवाता है। अब ये केतु जो है इसकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको ये संभालना पड़ेगी अपनी हेल्थ, कोई हड्डी वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको जिससे रिलेटेड आंखें स्कल कोई कहते हैं दांत वगैरह, तो उस पर ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनरशिप पे ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव से वो देखता है आपके षष्ठ स्थान को, तो आपको थोड़ा सा अपना रोग पेट से रिलेटेड है उसका भी ध्यान रखना, तो एक मोटा मोटा कहें तो तबीयत का ध्यान रखना है, गैस ट्रबल्स वगैरह इसके साथ ही कुछ सिस्ट वगैरह है पेट वगैरह में, तो उसका ध्यान रखना है। फिर नवम भाव से वो अगर आपके चतुर्थ भाव को देखेगा तो आपकी माता से आपको फुल सपोर्ट देगा आक्रामक स्वरूप से, लेकिन गुस्सेबाजी होगी उनकी आपकी, इसमें कटु शब्द वो भी कह सकते हैं आप भी कह सकते हैं, तो हेल्पर्स भी ऐसा कर सकते हैं, वाहन भी संभाल के चलाने पड़ेंगे। तो ये केतु का फल है आपके लिए, और वैसे केतु आपका बहुत ज्यादा प्रिय ग्रह नहीं है, इस वजह से केतु से थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए।